हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं तारामंडल, यानी ब्रह्मांड में सुंदर और व्यवस्थित तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। अब तक 89 तारामंडलों का की खोज हो चुकी है, यानी सबसे सुंदर तारामंडल सप्तर्षि तारामंडल है, और सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा तारामंडल है, और सबसे छोटा तारामंडल कुप्त तारामंडल है, और सबसे अधिक तारों वाला मंडल सेंटोस तारामंडल है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। ध्रुव क्या है, ध्रुव तारा क्या है? यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से जो लंबवत चमकीला दिखाई देता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। वर्तमान में ध्रुव तारे का नाम पोलरिस ए है। और आगे है, पृथ्वी का झुकाव 22.5 डिग्री से 24.2 डिग्री के बीच बदलता रहता है, इसीलिए पृथ्वी पर अलग अलग ध्रुव तारे बन जाते हैं। परंतु यह झुकाव पृथ्वी का लगभग 41,000 सालों में होता है, यानी ध्रुव तारे का जो अलग अलग बन जाते हैं 41 सालों बाद में झुकाव होता है। तो ध्रुव तारा हमारी पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव तारा हमारा दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर। तो नोट पॉइंट है, वर्तमान में ध्रुव तारा सप्तर्षि तारामंडल का एक समूह है, यानी वर्तमान में ध्रुव तारा एक सप्तर्षि तारामंडल का ही समूह है। सुबह आगे बढ़ते हैं। तो उल्का पिंड क्या है? तो ऐसे पिंड जो सौर मंडल की सबसे बाहर वाली परत में पाए जाते हैं उल्का पिंड कहलाते हैं, और इस क्षेत्र को कूपर बेल्ट कहते हैं। यानी सौर मंडल की सबसे बाहर वाली परत में पाए जाने वाले पिंडों को उल्का पिंड कहते हैं, और इस क्षेत्र को कूपर बेल्ट कहते हैं। जब कोई भी उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, यानी जब कोई भी उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, तो घर्षण के कारण वह हवा के द्वारा जलने लगता है, तो हम इससे टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। यानी सौर मंडल से टूटकर ये कोई तारा आता है तो उसे हम शूटिंग तारा कहते हैं। ये उल्का पिंड होते हैं, ये कूपर बेल्ट, ये हमारा उल्का पिंड है। तो आगे बढ़ते हैं। उल्का पिंड जहाँ गिरते हैं वहाँ बनने वाली झीलों को क्रेटर झील कहते हैं। जैसे भारत में क्रेटर झील है जिसका नाम लोनार है, यह महाराष्ट्र में है। यानी अब धूमकेतु पुच्छल तारा क्या है? यानी पुच्छलकड़ गैस, धूमकड़, धूलकड़ प्लस पुच्छल गैस, यानी धूमकेतु, सूर्य और पुच्छल तारा। ऐसे पिंड जो धूलकड़ और गैस से बन जाते हैं उन्हें धूमकेतु कहते हैं। ये ऐसे स्थानों पर बनते हैं जहाँ सूर्य का तापमान नहीं पहुँचता है, यानी कोई भी धूमकेतु पिघलकर पुच्छल तारा बन जाता है। तो सो गाइस आगे बढ़ते हैं। यानी पुच्छल तारा, एक वैज्ञानिक थे हेली, उनके नाम पर ही पुच्छल तारा था। यह दुनिया में पुच्छल तारा एक ही है। तो यह 76 साल बाद दिखाई देता है। तो सबसे पहली बार देखा गया 1910 में पुच्छल तारा, हेली पुच्छल तारा के नाम से, तथा दूसरी बार ये 1986 में 76 साल बाद दिखाई दिया, तथा अब 76 साल बाद अगली बार 2062 में दिखाई देगा। तो सो गाइस आज इतना ही। तब तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो